केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने इन 100 दिनों में 15 लाख करोड़ के विकास कार्य किए हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अजय टमटा ने बताया कि सड़क परिवहन विभाग में करोड़ों रुपए के विकास कार्य हो रहे हैं। उन्होंने उत्तराखंड में सामरिक दृष्टि से कई राष्ट्रीय राजमार्गों के चौड़ीकरण और बाईपास के साथ ही टनल बाईपास बनाए जाने की बात भी कही। इसके अलावा नैनीताल में कैचीधाम में टनल बाईपास और एलिवेटेड बाईपास बनाने के साथ ही काठगोदाम नैनीताल राजमार्ग को दो लाइन किए जाने के लिए भविष्य में प्रस्ताव लाए जाने का भी आश्वासन दिया। श्री टमटा ने बताया कि पिछले दिनों बरसात में काफी राष्ट्रीय राजमार्ग और राजमार्ग बाधित हुए हैं, जिनको दिन रात खोले जाने का काम किया जा रहा है। उन्हें हल्द्वानी के गौला पुल को भी जल्द रिस्टोर कर आम लोगों के लिए खोलने की बात भी कही है। 100 दिन के अंदर भी हमने अल्मोड़ा बागेश्वर रोड में हमने करीब 450 करोड़ के पहले पैकेज का काम चालू किया है। आने वाले समय के अंदर हम काठगोदाम से नैनीताल को टू लेन कर रहे हैं, जोली कोट से लेकर के भवाली और कैची बाईपास होते हुए अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से रानीखेत दौराहट चकुटिया पांडोखाल होते हुए कर्णप्रयाग तक इसको हम पूरा टू लेन कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम अल्मोड़ा से दौरा दनिया वाला पूरा रोड पनार तक उसको भी टू लेन कर रहे हैं, जहाँ हम धारचूला से लेकर के हमारा काला अपना गुंजी तक इसको भी हम टू लेन कर रहे हैं। इसके कारण से पूरे उत्तराखंड की सारी रोडों को, वैसे ही हम ऋषिकेश से लेकर के नटराज चौक और नटराज चौक से लेकर टी वाला ढाल वाला पॉइंट तक इसको भी 19 किलोमीटर एलिवेटेड और टनल से कर रहे हैं। लगभग उत्तराखंड की सारी जितनी NH है उनको टू लेन के साथ साथ अच्छी सुविधा युक्त बनाने का काम कर रहे हैं।